रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सोबी सोबिया आपके साथ नई रेमेडी के साथ हाजिर है जो आपके अपने ही किचन में मौजूद है। तो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी फेस पैक। तो फेस पैक बनाने के लिए तैयार हो जाएं और इस शानदार रिजल्ट के लिए भी तैयार रहिएगा। जो बहनें मेरी घर में फेस पैक बनाना चाहती हैं वो मुझे फॉलो करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैंने एक टमाटर लिया। टमाटर हमारे पास एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे फेस ब्लीचिंग एजेंट है। हल्दी के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये आपके किचन में जो आप खाना बनाते हैं उसमें यूज़ होने वाली हल्दी है जो कि आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करती है। नमक एक चुटकी। बेसन हमारे पास एक ऐसा एजेंट है जो हमारे फेस पे, अगर गर्मियों का मौसम चल रहा है, हमारे फेस पे ऑयल आ जाता है, ठीक है। तो बेसन हमारे फेस पे जो ऑयल आता है उसे कंट्रोल करता है। एलोवेरा जेल क्या करती है, ये हमारे फेस को ब्राइटन अप करती है, फेस को हमारे फेस पे जो ग्लो लाती है। ओके, अब मैं आपको बताऊँगी इसको हमने बनाना कैसे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टमाटर को गुदा, इसको अच्छी तरह अंदर से चम्मच की मदद से कर लीजिएगा। एक टमाटर हमारे लिए बहुत है। टमाटर हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट है जो इम्पोर्टीज को हमारे फेस पे जो गंदमैल आ जाती है उसको हमारे पोर्स से निकाल देता है। इसके बाद हल्दी एक चुटकी, नमक एक चुटकी, इसके बाद एलोवेरा जेल, ओके। लास्ट पे हमने अपना बेसन ऐड करना है। बेसन हमने पैक के मुताबिक करना है। अभी इसे अच्छी तरह मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करके हमने अपने हैंड्स पे अप्लाई कर देना है। हमने इसे जस्ट 10 मिनट तक अपने फेस पे लगा रहने देना है। इसके बाद मुंह किसी अच्छे से फेस वॉश से धो लेना है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। सो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए वीडियोस बनाती रहूं। मेरी हौसला अफज़ाई होती रहे। अल्लाह हाफिज़।